चलो, डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट डे एट स्कूल? हाउ डिड यू फील? कि आपको अपने स्कूल का पहला दिन याद था? आपको कैसा फील हुआ था? एंग्री? क्या आप गुस्सा थे? शाय? क्या आप शर्मा रहे थे? हैप्पी? वर यू हैप्पी? क्या आप खुश थे? और वर यू सैड? या आप दुखी थे? ओके, सो मोस्टली जितने बच्चे मैंने देखे हैं इन द क्लास, दे आर यूजली शाय, या तो वो शर्मीले होते हैं या तो वो हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, बिकॉज इट्स द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. या तो वो बहुत ही खुश होते हैं, हंस रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं, या तो थोड़ा शर्माते हैं. कुछ बच्चे दुखी भी होते हैं बिकॉज यू नो दे मिस देयर पेरेंट्स, उनको अपने घर की याद आती है, सो फर्स्ट डे के अपने फर्स्ट डे पर दुखी भी हो सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव इज लाइक, सो द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव, ये क्वेश्चन आपको अपने ओन, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन लाइकिंग्स. जो आपको पसंद है या ना पसंद है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन टू यू. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक? जब आप सबसे पहले दिन जब आपने अपनी क्लास में एंटर किया, आपने अपनी क्लास में कदम रखा, तो आपको क्या पसंद आया? बहुत से बच्चे होंगे वो कहेंगे, When I entered, I liked the whole class, or my class teacher, or the colorful pictures, or the smiling children. वो कह सकते हैं कि जब मैं अपनी क्लास में एंटर किया तो मुझे पूरी क्लास अच्छी लगी. कुछ ये भी बोल सकते हैं कि मुझे अपनी क्लास टीचर बहुत अच्छी लगी. कुछ ये भी बोल सकते हैं कि मुझे क्लास के अंदर जो कलरफुल ब्राइट पिक्चर्स लगी हुई थी वॉल्स पर, जो चार्ट्स लगे हुए थे, वो मुझे बहुत पसंद आए. और कुछ ये भी कह सकते हैं कि जो सब बच्चे हंसते हुए बच्चों के चेहरे थे, उनको वो भी पसंद आए. ओके, सो विल टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड? आपका सबसे पहला दोस्त कौन था? सो आपको लिखना क्या है आंसर में, माय फर्स्ट फ्रेंड वाज डैश, ब्लैंक आपको फिल करना है. जो भी आपका सबसे पहला फ्रेंड था वो आपको लिखना है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट? आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? आपने सबसे ज़्यादा क्या इन्जॉय किया अपनी क्लास के अंदर? ओके, सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल से, आई एंजॉय डूइंग ड्राइंग, और आई एंजॉय डूइंग ग्रुप एक्टिविटीज, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एनीथिंग ओके दैट यू लाइक. कुछ बच्चे कहेंगे कि मुझे अपनी क्लास के अंदर ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ कहेंगे कि मुझे ग्रुप एक्टिविटीज़ करना बहुत अच्छी लगती है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Do you have a pet at home who waits for you to come back from school? क्या आपके घर पे कोई pet है जो आपका इंतज़ार करता है कि आप कब स्कूल से आएंगे? So जिन जिन के घर में pet हैं वो लिखेंगे yes.